हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफजी लॉकेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट लॉ की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट लॉ। एज वी हैव डिस्कस्ड इन अदर लेक्चर्स एज वेल दैट एनवायरनमेंट लॉ इज नॉट एन बेस इट्स नॉट अ बेसिक इंडियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम के बाद जो फर्स्ट लेजिस्लेशन एनैक्ट हुआ था दैट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। सो उस प्रोविजन में हमारे पास केवल DPSP था जो कि थोड़ा बहुत रिलेट करता था टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वाइल्ड लाइफ, एंड ऑल्सो एक DPSP जो कि पब्लिक हेल्थ की बात करता था। लेटर ऑन जब 42nd अमेंडमेंट हुई तो उस अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज आई। उन्हीं एक ड्यूटीज में था 51AG जो कि सिटीजन्स को ये ड्यूटी देता है दैट दे शुड ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरमेंट। ओके, सो ये हमारे पास एक न्यू प्रोविजन आया। अब उसके बाद जुडिशियल ट्रेंड्स जो हुए नेचुरल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। यस, सो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं जुडिशियल ट्रेंड्स और वेरियस इंटरनेशनल UN की कन्वेंशंस जैसे कि स्टॉकहोम या फिर अदर सच कन्वेंशंस जिनसे हमारा एनवायरमेंटल लॉ जो है वो डेवलप हुआ इंडिया में भी। सो अब इन कन्वेंशंस में जो प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए थे दे आर द प्रिंसिपल्स वी कॉल एज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट लॉ। Okay, so what are these principles? Now these principles are, the foremost first principle is sustainable development. Okay, so जैसे हम कैल्सन की थ्योरी में ग्रंड नॉर्म पढ़ते हैं ना कि एक ग्रंड नॉर्म है और उससे जो बाकी नॉर्म्स हैं वो अपनी इफेक्टिवनेस डिराइव करते हैं, उसी तरह से हम ये मान सकते हैं दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट लॉ। जितने भी आगे डॉक्ट्रिन्स बने हैं, आगे और प्रिंसिपल्स बने हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड आउट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कीपिंग द बेस टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इवन इंडिया में जो हमारा एनजीटी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेक्शन 20 भी ये पावर देता है एनजीटी को, ग्रीन ट्रिब्यूनल को, कि जितने भी आप डिसीजन दो विद रिगार्ड टू द मैटर्स बिफोर यू पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट कंसर्न्स, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की। ओके, so now this precautionary principle is known as PP. हम मतलब जब हम आगे बात करेंगे we might use the term PP. then third we will talk about polluter pays principle. okay, देखो these principles are very easy to understand क्योंकि इनके नाम में ही इनका meaning छुपा है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे तो दे आर नथिंग मोर देन देयर नेम्स। ओके, सो यू कैन ईजिली गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन, PTD। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज फोर प्रोविजन्स इन दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द केसेस कि किन केसेस से इंडिया में ये प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर अप्लाइड। सो लेट्स नाउ मूव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक लेमैन्स मीनिंग ये होता है दैट दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, या लेट्स से दिस इज द प्रेजेंट जनरेशन एंड दिस इज द
फ्यूचर जेनरेशन, तो प्रेजेंट जेनरेशन इस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर ले और जो बाकी रिसोर्स है वो अपनी फ्यूचर जेनरेशन के लिए बचा दे, सो दैट कि फ्यूचर की जो नीड्स हैं, फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमारा काम भी हो जाए और फ्यूचर की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा ना हो कि आज तो हमारे पास कोल पेट्रोलियम है पर आने वाले 50 सालों में वो खत्म हो जाए, तो आने वाली फ्यूचर की नीड कैसे पूरी होगी, राइट? सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज विच मेनली आर नॉट रेन्यूएबल। ओके, सो जैसे सोलर एनर्जी है वो तो रेन्यूएबल है, बट हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारा कोल पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर नॉट रेन्यूएबल। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना ताकि हमारी नीड्स पूरी हो जाए एंड फ्यूचर की नीड्स जो है वो मेंटेन रहे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया था ब्रंटलैंड्स रिपोर्ट में। ओके, सो इन 1987 ब्रंटलैंड्स रिपोर्ट वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट इन विच दिस टर्म वॉज कॉइंड आउट। So let's talk about it using some slides. Okay, just let me share my screen with you quickly and then we will talk about the sustainable development and other principles. Start karte hain sustainable development se. As I told you that sustainable development means just a second. Yes. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ब्रंटलैंड ने डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन है यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जेनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ओके, नाउ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कैसे करते हैं, इंटर जेनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी से। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना वो रिसोर्स मिल जाए, ठीक है, इक्विटी मीन्स दैट। अब इंटर जेनरेशनल इक्विटी क्या है कि मान लो मेरे पास ये 5 किलोमीटर रेडियस का एक फॉरेस्ट है और मैंने उसको ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का रेडियस का जो फॉरेस्ट है वो मैंने यूज कर लिया। नाउ इतना जो ये 1 किलोमीटर रेडियस का फॉरेस्ट बचा, क्या आने वाली मेरी जनरेशन इसको यूज कर सकती है या इससे बेनिफिट्स डिराइव कर सकती है? द आंसर इज नो। तो मैंने तो जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया बट इट इज नॉट, व्हाट आई डिड वाज नॉट इक्विटेबल फॉर माय अपकमिंग जनरेशन। सो नाउ इंटर जेनरेशनल इक्विटी का मतलब ही यही है कि हम ऐसे एस्टैब्लिश करें यूज अपना, ऐसे हम यूज करें जिससे कि आने वाली जेनरेशन के लिए भी वो सोर्स जो है वो रिजर्व्ड रहे। सो इंटर मीन्स कि विद इन डिफरेंट जेनरेशन, जैसे हम इंटर स्कूल इंटर डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं कि मान लो स्टेट ए बी और सी, 3 स्टेट्स हैं, तीनों में कॉम्पिटिशन है, तो वी कॉल इट इंटर स्टेट। अब इंट्रा स्टेट क्या है कि ये एक ही ए स्टेट है और इसी में इसी की वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स कॉम्पिटिशन कर रही हैं। सो इंटर जेनरेशनल में इट इज लाइक फर्स्ट जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन, थर्ड जेनरेशन, बट इंट्रा जेनरेशन में जेनरेशन एक ही है बट वेरियस कंट्रीज वेरियस स्टेट्स जो हैं, दैट इज द एग्जाम्पल कि हम कैसे इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली इंटर जेनरेशनल और इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी के बारे में, दैट ये होता क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, और हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय दिस मोड। जस्ट अ सेकंड, यस, सो नाउ वी हैव इंटर जेनरेशनल एंड इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी। ओके, सो इंटर जेनरेशनल की जब बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेरियस जेनरेशंस के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैं फर्स्ट जेनरेशन हूँ, आने वाली मेरी जो 3 जेनरेशंस हैं या और एन नंबर ऑफ जेनरेशंस हैं उनके लिए भी इक्वल अमाउंट में जितना उनको जरूरत है, इक्विटेबल मीन्स जितनी उन्हें जरूरत है उस अमाउंट में हम उनके लिए रिसोर्सेज प्रिजर्व करके रख सकें। देन नेक्स्ट इज Why it is crucial
क्योंकि अभी से ही डिग्रेडेशन रिसोर्सेज का शुरू हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी को मेंटेन करने के लिए ही अचीव किया गया। अब बात करें अगर हम इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की, सो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी जो है वो कॉन्सेप्ट है कि एक ही जनरेशन है, मेरी ही जनरेशन है। अब अगर मैं इस ए स्टेट को देखूं तो इट इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, मैं बी को देखूं तो बी नॉर्मल है, सी को देखूं तो सी इज एम्प्टी, सी हैज नथिंग। तो हमारा क्या है कि लेट इक्विटी, लेट रिसोर्सेज फ्लो इन इक्विटी। अगर ए कंट्री में बहुत सारा अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, सपोज लेट से कि बहुत सारा कोल है, और उसकी अगर एक कंट्री में 100 यूनिट्स कोल है और उसकी जरूरत 75 यूनिट्स की है, ठीक है, तो ये कोल जो है ए कंट्री बी कंट्री को दे सकता है, और बी कंट्री के पास ऑलरेडी 25 यूनिट्स कोल था और उसे 10 की जरूरत थी, तो उसने भी इन बचे हुए 25 में से 10 ले लिया, और जिसके पास बिल्कुल कोल नहीं है उसको हमने 15 यूनिट्स कोल जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस मींस इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की जो हाईली रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड, अंडर प्रिविलेज्ड या पुअर कंट्रीज को हेल्प करें ताकि दे शुड ऑल्सो हैव रिसोर्सेज इन गुड अमाउंट, ओके। सो बेसिकली दिस इक्विटी इज टू प्रोपगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स। अब जैसे दिल्ली में हमारे पास सब्सिडी है कि 0 से 200 यूनिट्स पे तक अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो यू हैव टू पे नो बिल। ये स्कीम इसलिए है ताकि लोग इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करें, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस स्कीम से बच रही है वो हम नेबरिंग स्टेट्स में जरूरत के टाइम अगर हमें लगता है कि उन्हें जरूरत है हम उनको दे सके, ओके। सपोज एक स्टेट है वो सब्सिडी दे रहा है और एक वाई स्टेट है उसका नेबरिंग स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो अब एक्स जो है वो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी वाई को दे सकता है, राइट। तो दैट इज वाई दीज स्कीम्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओके। आई होप दिस इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एज सच क्वेश्चन में कभी नहीं आता, बट अगर आप देखोगे ना तो हर क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लॉजिक लगता ही लगता है। सो आपसे जो क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा, या तो वो 10 मार्क्स का नोट बोल देंगे कि इंटर जनरेशनल पे दो, 10 मार्क्स का इंट्रा पे दो, या फिर दे में आस्क कि 10 मार्क्स का डिफरेंशिएट करो। तो जब भी आपको 10 मार्क्स का डिफरेंशिएट आए, मेक श्योर यू आर मेकिंग 7 to 8 points, ओके। अब 7 to 8 points, 7 इस साइड, 7 इस साइड। यूजुअली अब आपके अगर पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आप इन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन कर लो, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ब्रेक कर दो, इनको और इलेबोरेट कर दो, प्लस एक पॉइंट आप एग्जाम्पल का दे दो, एग्जाम्पल का, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ऑल राइट। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ओके। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन एनवायरमेंट लॉ, ठीक है। प्रिकॉशन का मीनिंग क्या होता है? प्रिकॉशन का सिंपल मीनिंग है सावधानी बरतना, ओके। सो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल अपने मीनिंग से ही आता है, ओके, राइट। तो अब बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? दैट अगर कोई रिस्क है, ठीक है, अगर मैं एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रही हूँ और मेरे उस इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने से एनवायरमेंट को कोई रिस्क है, राइट, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं ये इंश्योर करूंगी, मैं ये फॉलो करूंगी कि मेरी वजह से जो एनवायरमेंट को पॉसिबल हजार्ड हो रहे हैं वो हजार्ड जो हैं वो ना हो, ऑल राइट। सो अब ये बात करता है कि जब अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपके एनवायरमेंट को इररिपेरेबल लॉस हो सकता है एंड दैट लॉस इज नॉट रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल लॉस, तो यू हैव टू अप्लाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। आपको मिटिगेट करना है वो लॉस और आपको ऐसे मेजर्स ऑप्ट करने हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम ना हो, और एंड दैट शुड बी ऑल्सो इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब
सपोज मैंने इंडस्ट्री बना दी, ठीक है, और मेरे पास ये मेरी इंडस्ट्री है और मेरे पास एनवायरनमेंट से लोग आते हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, और दे आस्क मी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से दे आस्क मी कि आप बताओ कि आपने क्या मेजर लिए हैं, प्रिकॉशंस क्या लिए हैं अपनी इंडस्ट्री को ऐसा करने के जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड ना हो. मैं कहूँगी कि मैंने तो सारे मेजर लिए हैं. तो वो कहेगा कि नहीं, आपने तो नहीं लिए, हमें तो नहीं दिख रहे. तो अब आई कैन नॉट से टू देम कि देख लो खुद, आप चेक कर लो. द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी, ओके, इज ऑन द इंडस्ट्रियलिस्ट, इज ऑन द डेवलपर. जो वो प्रोजेक्ट या जो काम कर रहा है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसे ये शो करना है कि ही हैज टेकन इनफ प्रिकॉशंस, इनफ मेजर, इनफ कॉस्ट इफेक्टिव मेजर टू मिटिगेट द लॉस दैट माइट हैपन टू द एनवायरमेंट. ओके, so this is the basic concept of what do you understand by precautionary principle. So this slide you can use it while answering the paper. So the term precautionary principle had its origin in the German word Warsaw Jeprinzip. So an alternate translation of this word means foresight. जैसे हम टॉट पढ़ते हैं तो हम टॉट में बात करते हैं reasonable foresight की. राइट राइट कि रीजनेबली अगर हमें कोई चीज लॉस होती हुई दिख रही है सो वी वुड प्रिवेंट इट. यहाँ पे बात है फोरसाइट की, नॉट रीजनेबल, ओनली फोरसाइट. तो बेसिकली अगर आपको फोरसाइट है कि आपके इस एक्स वाई जेड वेंचर से एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन हो रहा है, देन यू हैव टू टेक इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स. और अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा और कल को कुछ हो जाता है तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू दैट यू विल टेल कि क्यों आपको लगता है कि ऐसा एनवायरमेंट हजार्ड नहीं हो सकता था, एंड दैट यू हैव टेक एम्पल ऑफ मेजर्स. अगर अब जिस चीज के डेफिनेट साइंटिफिक प्रूफ है, सो अगर मेरे पास एक साइंटिफिक प्रूफ है दैट सपोज लेट्स टॉक इट बाय एन एग्जांपल, एक इंडस्ट्री है और उसकी मशीन्स जो हैं वो 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रही हैं और ह्यूमन ईयर के लिए 2 to 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज जो हैं, 2 हर्ट्ज to 2 किलो हर्ट्ज, दे आर द डिफाइंड स्टैंडर्ड. तो अब इट इज अ साइंटिफिक प्रूफ कि 40 किलो हर्ट्ज इज रिस्की फॉर द एनवायरनमेंट, सो दिस पर्सन हैज टू टेक प्रिकॉशंस. बट अगर कोई इस तरह का स्टैंडर्ड या इस तरह का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, देन उस केस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो फर्स्ट टाइम 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कॉइन आउट हुआ. ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये प्रिंसिपल आया पिक्चर में. एंड देन जब हमारी रियो डी जनेरियो कन्वेंशन हुई, रियो डी जनेरियो कन्वेंशन जो थी उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो रेडी हुआ, एंड इट हैपेंड इन 1992. तो उसका प्रिंसिपल 15 जो था इट इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. राइट, देन उसके बाद फर्दर यूनाइटेड नेशंस का जो UNFCCC कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, सॉरी आर्टिकल 3 क्लॉज 3 में इट वाज कंटेन्ड. ओके, सो नाउ दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैड लीगल रिकॉग्निशन थ्रू आउट द कंट्री. तो अब इसको इंडिया में भी अप्लाई किया गया, इंडिया में भी वेरियस केस लॉज थे जिससे कि ये प्रिंसिपल जो है डेवलप हुआ. फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये प्रिंसिपल है ये वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम में डेवलप किया गया था. ऑलराइट, सो आई होप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू. जब भी आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को आंसर लिखोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, देन यू कैन come to its origin and foresight principle, and then you can talk about its origination. Okay, Montreal Protocol 1987, then Rio de Janeiro Convention in Article 15, Principle 15, and then in UNFCCC in Article 3, Clause 3. Okay, so you can talk about it legal its legal backing using international laws, and then you can discuss
वेरियस केस लॉज. द फॉरमोस्ट केस इज वेलोर सिटीजन फोरम which we will talk about in the next video. So that is how you are going to develop your answer when the question is about precautionary principle, right? So let's move on to the next part. Polluter pays principle. अब polluter pays principle जो है नाम में ही मतलब है कि आपने पॉल्यूट किया है, आप पॉल्यूटर हो तो भाई कॉम्पनसेट करो. Right, so if you pollute, you have to pay. So polluter pays principle is used in order to make a party or an individual to pay for the damage caused to the environment. आपने environment degrade किया है, अब आप उसको compensate करो. अब मैंने यहाँ पे forest था, मैंने ये सारे forest काट दिए और मैंने यहाँ पे industry लगा ली. अब उस industry से जो उसका sewage है वो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है और उसकी जो चिमनी से धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है. प्लीज फॉरगिव माय बैड ड्राइंग. सो या तो अब मैंने ऐसी इंडस्ट्री, एक तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करके लगाई, दूसरा मैंने उस इंडस्ट्री में एप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए. ठीक है, सीवेज यहाँ पे वेस्ट जो है एफ्लुएंट्स पानी में मिल रहे हैं और पॉल्यूटेंट गैसेस एनवायरमेंट में एयर में जा रही हैं, प्लस मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेड एरिया बना दिया है. सो व्हाट आई डिड, आई पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल आई विल हैव टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस दैट आई डिड टू द एनवायरनमेंट. ओके, सो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल जो है उसमें क्या है कि अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं मुझे उन्हें भी कॉम्पनसेट करना है और मुझे जो गवर्नमेंट है, जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मैंने किया मुझे वो भी कॉम्पनसेट करना है. सो यू रियो डी जनेरियो कन्वेंशन, आई एम वेरी सॉरी, रियो डी जनेरियो कन्वेंशन जो हुआ था, राइट, इस कन्वेंशन में दिस पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल इज कंटेन्ड इन प्रिंसिपल 16. ओके, सो प्रिंसिपल 16 इज वेयर दिस फाइंड्स लीगल बैकिंग इन द इंटरनेशनल लेजिस्लेशन. ओके, तो बेसिकली जो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल हैं और जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अगर आपने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को यूज़ कर लिया होता तो ये डैमेज होता ही नहीं. आपने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यूज़ नहीं किया तो आप अल्टीमेटली पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के कंट्रोल में भी आ गए, राइट. So these three were the most important doctrines that the most important principles rather that talks about environmental preservation. All right, I hope we are clear till now. If there are any doubts, you can drop them in the comment box below, right. So I would like to talk to you about how to write answer. अब यूनिट टू DU के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक दिस इज यूनिट टू, एंड जो भी स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट लॉ का पेपर लिख रहे हैं BEd, LLB, LLM, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. सो व्हेन यू हैव टू राइट आंसर ऑन दीज प्रिंसिपल, तो यू विल राइट प्रिंसिपल, देयर ओरिजिन, व्हाट इज देयर लीगल बैकिंग, हाउ दे आर यूज, what happens if you use them, what don't happens if you don't use them. So all of the things you have to mention in your answer. Also the answer, specifically this tip, this point is for DU students. आपका environment law का answer आपको ऐसे लिखना है कि environment का paper जो है ना वो टैक्स का टीचर चेक कर रहा है, राइट. टैक्स का या इंश्योरेंस बैंकिंग का टीचर जो है, दे आर द एग्जामिनर, दे आर चेकिंग योर आंसर. व्हाई? द रीजन इज कि एनवायरनमेंट लॉ शुड बी वेरी मच एक्सप्लेन्ड कि आपने ये बात क्यों लिखी है. अगर आप सिंपल सी बात करो तो उसमें बताने को एनवायरनमेंट लॉ में एज सच कुछ है नहीं, राइट. मतलब बेसिक दो दो लाइंस के प्रिंसिपल हैं जो कि आप कहोगे इसमें तो क्या ही है, बट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग, एक पर्सन है जो 4 से 5 पेज में भी आंसर कर रहा है और एक पर्सन है जो 10+ पेजेस में भी आंसर कर रहा है. द बेस्ट थिंग अबाउट एनवायरनमेंट लॉ इज कि एक यूनिट के केसेस दूसरे यूनिट में आप यूज कर सकते हो बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर ओवरलैपिंग, राइट. सो आई एक्चुअली स्कोर्ड 70+ इन माई दिस पेपर, एनवायरनमेंट लॉ इन माई एग्जाम,
एंड द ट्रिक आई फॉलोड वॉज टू बी एज इलेबोरेटिव एज आई कुड. ओके, सो इफ यू आर इलेबोरेटिव, यू आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड, देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली स्कोर 70+. माई स्कोर वॉज समवेयर अराउंड 74-76. सो दिस स्कोर इज लाइक टॉप एट टॉप इन द लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो इफ यू आर अटेम्प्ट राइटिंग 9 to 10 पेजेस फॉर ईच आंसर, be pretty sure that you are at least going to secure 65+, provided that these 9 to 10 pages meet the logic, because environmental law is a theoretical concept, so we have to write accordingly. All right, now let's move to public trust doctrine. Okay, yeah, so public trust doctrine jo hamare paas hai, that is basically a concept that is having its root in the Roman law. Okay, so Roman law se ye principle derive kiya gaya hai. Basically ye baat karta hai public trust doctrine that jo bhi natural resources hain, okay, wo government ki apni sampatti nahi hai. Suppose ek river flow kar raha hai kisi country mein, kisi city mein, okay, so this is let's say city A, this is let's say city B, to na city A aur na city B ki jo government hai wo keh sakti hai ki ye river to ji hamara hai. Is pe government jo hai, it acts as a trustee. Okay, government is no more than the trustee on the natural resources. They are just the protector. Okay, and we the people, the public is the beneficiary. Okay, ek trust ka kaam kya hota hai? Trust ka simple sa ek hi kaam hota hai, that it maintains the property for the beneficiaries. So jo natural resources hain, uski beneficiary kaun hai? Public. ओके, सो पब्लिक बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट ट्रस्टी है. गवर्नमेंट का काम है सिर्फ इन रिसोर्सेज को बचाकर रखना और फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाना, ताकि ये रिसोर्सेज जो हैं ये एक्सप्लॉयट ना हो. ऑलराइट, सो गवर्नमेंट इज द ट्रस्टी, पब्लिक इज द बेनिफिशियरी, एंड दीज रिसोर्सेज आर टू बी प्रोटेक्टेड. अब गवर्नमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज द सुप्रीम एजेंसी इन आवर कंट्री विच वी हैव इलेक्टेड, तो जो ये रिसोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट जो है वो बेच नहीं सकती. ओके, सो दिस एक्चुअली पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में एक हम मैक्सिम यूज करते हैं, रेस नलियस. ओके, सो रेस नलियस मीन्स दैट दिस बिलोंग्स टू नो वन, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, ये आपकी संपत्ति नहीं है. दिस बिलोंग्स टू नो वन एंड दिस शुड बी यूज फॉर प्रेजेंट जनरेशन हु इज द बेनिफिशरी एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन हु इज ऑल्सो द बेनिफिशरी ऑफ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर. सो दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंटेन्ड एंड इट्स अडाप्टेशन शुड नॉट लीड टू प्राइवेट यूज. अब आप गवर्नमेंट जो है वो इसका प्राइवेट यूज नहीं करेगी. अब क्वेश्चन ये आता है कि डैम बना दिया तो ये क्या प्राइवेट यूज है या फिर पब्लिक यूज है? तो डैम इज अ पब्लिक यूज. ठीक है, ये चैलेंज होता है. ये एक बार नर्मदा बचाओ आंदोलन जो केस था, टिहरी डैम उस पर बिल्ड हो रहा था, एंड इट वॉज क्वेश्चन कि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं उनको आपने डिसलोकेट कर दिया है. सो दिस टिहरी डैम वॉज बिल्डिंग ऑन नर्मदा रिवर एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर हाउसेज वर डिसलोकेटेड. सो देयर पीपल सेड कि भाई आपने हमें डिसलोकेट कर दिया है, हमें कॉम्पनसेट करो. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड सब कुछ उन्होंने अप्लाई कर दिया. तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि जो पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल है या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इट इज नॉट अबाउट द रिहेबिलिटेशन. It is about the environment. We are here to preserve the environment by applying these principles. So, in this case, it was held that this environment, the principles are specifically made for environment and not for people. And those who were, you know, dislocated from their houses, they were already being rehabilitated. So there is no question of compensation. So that is why polluter pays principle and precautionary principle were not applied in this case of Narmada case, right? So this was about the three doctrines, right? And next, in the next video of this
पर्टिकुलर टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैंडमार्क केसेस विच आर देयर, एंड डीयू स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज राइट दोज केसेज इन देयर आंसर, एंड इफ अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर हियर वॉचिंग दिस सीरीज, दे शुड ऑल्सो राइट द केसेज इन देयर आंसर, सो दैट यू कैन ऑफकोर्स अट्रैक्ट वेरी गुड मार्क्स. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर. Please subscribe the channel and share the video. Thank you, everybody.